सतलुज घाटी में बनी एसजेबीएन की 1500 मेगावाट की नाथवा झाकड़ी और 412 मेगावाट के रामपुर पवार स्टेशन ने बिजली उत्पादन में इस बार जुलाई और अगस्त माह अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रामपुर पर स्टेशन देश का एक ऐसा हाइड्रो पवार स्टेशन बना है जो बिजली उत्पादन में लगातार डिजाइन एनर्जी से अधिक बिजली तैयार कर रहा है। इस बार वैश्विक महामारी कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद परियोजना के विद्युत ग्रिड ने जुलाई माह में 333.6951 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित किया। अगस्त बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड और अग्रसर है। इन दोनों ही परियोजनाओं का सहयोग उत्तरी ग्रिड को विषम परिस्थितियों में सहयोग कर रहा है। जब 5 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के आग्रह पर पूरे देश में 9 मिनट के लिए बिजली से चलने वाले प्रकाश यंत्र बंद किए थे, जिस कारण लगभग 32,000 मेगावाट बिजली की मांग में कमी आई। ऐसे में ग्रिड को नियंत्रण करना चुनौती था, लेकिन ग्रिड स्थिरता के लिए दोनों जल विद्युत गृहों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें एसजेबीएन की दोनों परियोजनाओं रामपुर एचपीएस एवं एनजेएचपीएस की भूमिका सराहनीय रही। रिकॉर्ड बिजली उत्पादन से प्रचंड गर्मी में उत्तर भारत के 9 राज्यों को भी मांग अनुसार बिजली प्राप्त हुई है। रामपुर पवार स्टेशन प्रमुख मनोज कुमार ने बताया कि इस परियोजना की कमिश्निंग 2014 में हुई। कैपेसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा बिजली पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस जुलाई माह में परियोजना से की है और अगस्त में भी रिकॉर्ड की और नियंत्रण जारी है। उन्होंने कहा कि कोविड के इस दौर में भी कर्मचारियों की मेहनत से ये सब संभव हुआ। इसके साथ साथ प्रकृति ने भी इस बार साथ दिया। उन्होंने बताया कि परियोजना ने डिजाइनर एनर्जी से बढ़कर हर वर्ष बिजली तैयार किया है, जो देश में संभवतः इस तरह की पहली परियोजना है। जहां तक रामपुर परियोजना की बात है, मेरे समझ से ये शायद हिंदुस्तान का पहला प्लांट होगा जो सिंस कमिश्निंग अपना बेस्ट हर एक साल हम डीजन एनर्जी पार करते हैं। लास्ट ईयर भी अभी तक का सर्वोच्च उत्पादन हमने किया 2021-22 में और हमारा हाईएस्ट एनएपीएफ रहा। और जहां तक इस जुलाई महीने की बात मैं करूं तो अभी तक का सिंस कमिश्निंग किसी भी महीने में सर्वोच्च उत्पादन किया हमने, और हमारी मशीन अवेलेबिलिटी भी अभी तक की बेस्ट रही है। मशीन अवेलेबिलिटी 109% के आसपास चल रही है हमारी, और जनरेशन हमारा 334.695 से 335 मिलियन यूनिट के आसपास हम जनरेट किए हैं, जो कि हमारा पिछला बेस्ट लास्ट ईयर जुलाई ही था, वो 327 के आसपास था मिलियन यूनिट। और जहाँ तक अगस्त महीने की बात है, अभी तो 10-12 दिन बचे हैं, चूंकि आज 20 तारीख है, फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगस्त भी हमारा वन ऑफ द बेस्ट अगस्त होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रकृति का तो धन्यवाद करता हूँ, अपने मैनेजमेंट, और मैं रामपुर टीम के सभी मेंबर्स को बधाई देना चाहूँगा, खास करके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम को, जिन्होंने दिन रात अपनी अथक प्रयास से ये मुकाम हम लोगों ने हासिल किया है। और कोविड-19 के दौरान जहाँ काम करना, लोग घर से निकलना मुश्किल है, बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे लोग अपना बेहतरीन दे रहे हैं। मैं उस सारे ऑफिसर्स स्टाफ्स को सल्यूट करता हूँ और अपने मैनेजमेंट का आभारी हूँ। साथ साथ दोनों डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के तमाम उन अधिकारियों, दोनों SDMs, दोनों DC के अलावा जितने भी ऑफिसर, उनका भी मुझे भरपूर सहयोग मिला है।